हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। हम लोग अलग अलग सोर्सेस ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें ओन कैपिटल ऑलरेडी हम लोग ने देखा कि कंपनी ओन कैपिटल किस तरीके से कलेक्ट करती है। उसके बाद में हम लोग बोरोड कैपिटल के बारे में देख रहे थे कि कंपनी अपना बोरोड कैपिटल कहाँ कहाँ से कलेक्ट करती है। तो हम लोग ने ऑलरेडी देखा कि डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके पास से कंपनी किस तरीके से बोरोड कैपिटल कलेक्ट करती है। अभी हमारा लास्ट सोर्स ऑफ कैपिटल रह गया, वो है ट्रेड क्रेडिट। इसके बारे में ये वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। जो भी बिजनेसेस होते हैं वो क्रेडिट के बिना नहीं चल सकते हैं। मतलब कोई भी बिजनेसमैन जब कोई भी मटेरियल परचेस करते हैं तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि जिन्होंने उनको वो मटेरियल दिया है उनके पास से वो क्रेडिट पीरियड की डिमांड करते हैं। क्रेडिट पीरियड की डिमांड करना मतलब क्या कि आज आप हम लोग को मटेरियल दे दो और इसका पेमेंट जो है वो हम लोग आपको एक महीने के बाद में, दो महीने के बाद में या तीन महीने के बाद में देंगे। तो इस तरीके से हर एक बिजनेस जो होता है वो चलता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने मटेरियल लिया और आज के आज आपको पेमेंट करना है। तो आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि जो भी बिजनेसमैन मटेरियल लेते हैं तो वो मटेरियल के पेमेंट के लिए वो लोग क्रेडिट पीरियड मांगते हैं। क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या होता है, उसका पेमेंट जो होता है वो फ्यूचर में करेंगे। सो क्रेडिट जो होता है बिजनेस का सोल होता है। सोल मतलब क्या, बिजनेस की आत्मा होती है। और ये ट्रेड क्रेडिट जो होता है वो बिजनेस को शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे एक महीने का, दो महीने का, तीन महीने का या मैक्सिमम छह महीने का क्रेडिट पीरियड दिया जा सकता है। सो ये क्या कर रहा है, बिजनेस को शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। और गुड्स और मटेरियल के जो मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर और सप्लायर होते हैं उनको ट्रेड क्रेडिटर्स बोला जाता है। अभी इनको ट्रेड क्रेडिटर्स क्यों बोला जाता है या ट्रेड क्रेडिट का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को कोई भी टैंजिबल गुड सेल करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर पेमेंट, जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि सपोज एक मैन्युफैक्चरर है, उसने क्या किया, किसी दूसरे कंपनी के पास से रॉ मटेरियल परचेस किया और वो रॉ मटेरियल का पेमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, डिफर्ड पेमेंट करेगा। डिफर्ड मतलब क्या, फ्यूचर में पेमेंट करेगा। जैसे मैंने आपको बोला एक महीने के बाद में, दो महीने के बाद में, तीन महीने के बाद में, जैसे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, जैसा उनका नेगोशिएशन होगा उसके हिसाब से फ्यूचर में उसका पेमेंट किया जाएगा। सो ऑन द स्पॉट यहाँ पे पेमेंट नहीं किया जाता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कोई भी बिजनेस जो होता है वो क्रेडिट के ऊपर सर्वाइव करता है और क्रेडिट जो होता है वो बिजनेस का सोल होता है। तो यहाँ पे एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को क्रेडिट में गुड्स सप्लाई कर रहा है और वो जो बिजनेसमैन जिसने गुड्स परचेस किए हैं, वो जिसने वो गुड्स को सप्लाई किए उसको पेमेंट जो है वो बाद में करेगा, मतलब फ्यूचर में करेगा। उसी को यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट बोला जाता है। अभी यहाँ पे हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को क्रेडिट में गुड्स क्यों बेचते हैं। तो क्रेडिट में गुड्स बेचने की वजह से कंपनी का सेल जो होता है बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिकॉज ये जनरल साइकोलॉजी होती है कि जहां पे हमको उधारी में गुड्स मिलते हैं वहां से हम लोग गुड्स को ज्यादा परचेस करते हैं। बिकॉज ऑन द स्पॉट पेमेंट करने का यहाँ पे प्रेशर नहीं रहता है। हम लोग उनके पास से आज गुड्स परचेस कर सकते हैं, फिर बाद में वो गुड्स को हम लोग सेल करेंगे, उसमें से हम लोग जिसके पास से हमने वो गुड्स उधारी में लिए थे उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट चलता है, जिसको ट्रेड क्रेडिट बोला जाता है। नाउ ट्रेड क्रेडिट जो होता है उसको कैश लोन नहीं बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे आप किसी को लोन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो या किसी को कैश के रूप में लोन नहीं दे रहे हो, तो इसको कैश लोन नहीं बोला जा सकता है। यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि क्रेडिट में गुड्स को सेल किया जाता है और उसका पेमेंट जो होता है फ्यूचर में किया जाता है। और वो पेमेंट भी कब होगा, जब उसके गुड्स का सेल होगा तभी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास वीडियोकॉन के टेलीविजन बेचने का डीलरशिप है, तो वीडियोकॉन से आप लोग क्या करोगे, टेलीविजन को परचेस करोगे, लेकिन उसका पेमेंट आप अभी नहीं करोगे। आप इसका पेमेंट कब करोगे, तो आपने आज के डेट में वीडियोकॉन से उधारी में टेलीविजन परचेस किया और अभी आप वो टेलीविजन को बेचोगे, बेचने के बाद में आपको जो पैसा मिलेगा उसमें से आप वीडियोकॉन को टेलीविजन जो है उसका पेमेंट कर दोगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, उधारी में गुड्स लिए और वो गुड्स को आपने सेल किया और उसमें से जो पैसा आया वो पैसे में से आपने जो भी वीडियोकॉन कंपनी उसको फ्यूचर में पेमेंट किया, तो इसको ही ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। तो अलग वर्ड्स में यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेड क्रेडिट के अंदर गुड्स जो होते हैं वो सप्लायर कस्टमर को सप्लाई करते हैं और उसका पेमेंट जो होता है फ्यूचर में किया जाता है, तो उसको हम लोग ट्रेड क्रेडिट बोल सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक ट्रेड क्रेडिट क्या होता है वो समझ में आया रहेगा। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में वापस से बता देता हूँ कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि उनको गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वो उधार में परचेस करते हैं, उससे वो गुड्स बनाते हैं और वो गुड्स को वो बेचते हैं। बेचने के बाद में उनको जो पैसा मिलेगा उस पैसे में से वो जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला है उसका पेमेंट कर देंगे।
या फिर दूसरा केस हो सकता है कि जहां पे होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर के पास से उधारी में गुड्स ले रहा है और फिर बाद में वो रिटेलर को बेचेगा, और रिटेलर जब भी फ्यूचर में होलसेलर को पेमेंट करेगा तभी होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर को पेमेंट कर सकता है। या तीसरा आप लोग बोल सकते हो कि रिटेलर जो है वो क्या करेंगे, होलसेलर के पास से उधारी में गुड्स परचेस करेंगे और रिटेलर फिर वो गुड्स जो है वो कस्टमर को बेचेंगे, और कस्टमर के पास से जब पैसा आएगा तभी रिटेलर वो पेमेंट जो है वो होलसेलर को करेंगे। तो इस हिसाब से एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के पास से गुड्स उधारी में परचेस करते हैं और उस गुड्स को वो कस्टमर को बेचते हैं, और जब कस्टमर के पास से फ्यूचर में पेमेंट आएगा तभी वो जिसके पास से उन्होंने उधारी से गुड्स लिए थे उनका पेमेंट करते हैं, उसको ट्रेड क्रेडिट बोला जाता है। लेकिन ये कैश लोन नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे आपको कोई कैश प्रोवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि उधारी में गुड्स लिए जा रहे हैं। तो आपको वहां पे क्या मिल रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है, मतलब आपको पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, या फिर जिसके पास से आप गुड्स ले रहे हो उसको आपको अभी पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में आप पैसा दोगे, तो वो भी एक तरीके का फाइनेंस का तरीका होता है, तो उसको यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट बोला जाता है। ना आगे जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेड होता है वहां पे ये क्रेडिट जो होता है काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, मींस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आप एक के पास से गुड्स लेते हो और दूसरे को बेचते हो, तो उसमें ये जो ट्रेड क्रेडिट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ ये जो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं वो सप्लायर के ट्रेड क्रेडिट के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज स्मॉल रिटेलर जो होते हैं उनके पास बैंक के पास से लोन लेने के लिए इनफ सिक्योरिटी नहीं होती है, या बैंक के पास से अगर लोन लेंगे भी तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो उनको शायद तक अफोर्डेबल नहीं होगा, और उनका बिजनेस काफी स्मॉल होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं, ट्रेड क्रेडिट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये स्मॉल रिटेलर सिंपली क्या करेंगे, सप्लायर के पास से उधारी में गुड्स लेंगे, उसको कस्टमर को बेचेंगे, और जब कस्टमर के पास से पैसा आएगा तभी वो सप्लायर को पेमेंट कर देंगे। तो ये स्मॉल रिटेलर जो है वो लार्ज एक्सटेंट तक ट्रेड क्रेडिट के ऊपर रिलाय या डिपेंड करते हैं। ये एक इजी तरीके का क्रेडिट जो है वो बिजनेसमैन को अवेलेबल होता है, इसके लिए किसी भी तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो साइनिंग करना पड़ता नहीं है। जैसे डिवेंचर में हम लोगों ने देखा था कि सर्टिफिकेट वगैरह इशू किया जाता है, या शेयर्स वगैरह जो होते हैं उसमें शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, इवन बैंक के पास से लोन लिया जाता है तो उसमें भी काफी ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जाती है, लेकिन ये जो ट्रेड क्रेडिट होता है इसके अंदर किसी भी तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट वगैरह साइन नहीं होता है। यहाँ पे इजी तरीके से एक बिजनेसमैन को सप्लायर जो है वो उधारी में गुड्स दे सकते हैं, तो ये काफी इजी तरीके का फाइनेंस का ऑप्शन जो है बिजनेसमैन के पास अवेलेबल है, और ये रेडीली अवेलेबल होता है और काफी चीप भी होता है। रेडीली अवेलेबल का मतलब क्या है, अगेन जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती है, और चीप मतलब क्या, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना पड़ता है, या फिर फाइनेंस लेने के लिए आप लोगों को कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती है। जैसे शेयर्स होता है तो उसमें काफी ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है जिसमें पैसे लग जाते हैं, डिवेंचर्स इश्यू करती है कंपनी तो उसमें भी काफी ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है, उसमें भी काफी ज्यादा पैसे लगते हैं। देन डिवेंचर्स इश्यू करेंगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, शेयर्स इश्यू करेंगे तो डिविडेंड पे करना पड़ता है, लेकिन ट्रेड क्रेडिट के अंदर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट जो होता है वो बिजनेसमैन को पे करना पड़ता नहीं है। तो ये काफी चीप मेथड है फाइनेंसिंग का। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि सप्लायर जो होता है वो गुड सेल करते हैं और 30 डेज या उससे ज्यादा का क्रेडिट पीरियड जो होता है वो ऑफर किया जाता है। अगर सपोज यहाँ पे उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने जिसने उधारी में गुड्स लिए उसने अगर शॉर्ट पीरियड में ही पेमेंट कर दिया, जैसे 10 दिन में 15 दिन में अगर पेमेंट कर दिया तो उनको डिस्काउंट भी दिया जाता है। जैसे कि सपोज टेलीविजन है तो वो टेलीविजन जब उधारी में दिया था तभी उसका कॉस्ट सपोज 10,000 था, लेकिन वो जो बिजनेसमैन जिसने उधारी में टेलीविजन लिया था उसने अगर सपोज वो टेलीविजन कंपनी का 10 डेज में या 15 डेज में ही पेमेंट जो है वो कर दिया, तो टेलीविजन कंपनी क्या करेगी, उनका जो डीलर है जो उनकी टेलीविजन को बेच रहा है उसको वो डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे कि सपोज उनको पर टेलीविजन 1,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। तो जब शॉर्ट पीरियड में यहाँ पे पेमेंट किया जाता है तो जो भी सप्लायर है वो क्या करते हैं, डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होते हैं, ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह किया जा सकता है। जैसे बैंक लोन जो होते हैं वो काफी ज्यादा रिजिड होते हैं, वहां पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह होती है और वहां पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो चेंज नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन ट्रेड क्रेडिट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो रिजिड नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रेड क्रेडिट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रेड क्रेडिट जो बिजनेसमैन के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस का एक अच्छा सोर्स जो है वो अवेलेबल करके देता है। ये मेरी URL है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।